मैं जो है पटना में ई चलान जो हो गया है, अभी इसका इतना गंदा स्थिति है कि आपको मतलब गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा हुआ है और उसके बावजूद भी आपका चलान कट जा रहा है। ठीक है, एक बार चलान कट गया तो उसको पहले एक बार 24 घंटा के लिए मोहलत देना चाहिए। बार बार हर कैमरा पे आप जंप करने पे हर बार उसको फाइन करिएगा, हर बार उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये तो गलत है। हेलमेट का क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली और अदर स्टेट में क्वालिटी कंट्रोल, मतलब आपको सड़ा हुआ हेलमेट पहन के आप नहीं घूम सकते, आपको बढ़िया कंपनी का हेलमेट पहनना है। यहाँ पे है, आप सड़ा हुआ कागज का भी पहन लीजिए, खाली हेलमेट का डिजाइन बना लीजिए तो आपको फाइन नहीं कटेगा। सरकार को उससे मतलब नहीं, सरकार को है कि आपके पॉकेट से पैसा कैसे निकाले। चार कैमरा गया तो चार जगह फाइन ले लीजिएगा, ये नियम गलत है। लेकिन जिस तरह से चलान कट रहा है वो गलत है। नमस्कार, मैं हूँ अदिति, आप देख रहे हैं वेब समाचार। अब ई चलान कटेगा, पहले की तरह अब नहीं मैनुअल चलान, अब ई चलान कटेगा। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अब ई चलान कटेगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में जो है पटना में ई चलान जो हो गया है, अभी इसका इतना गंदा स्थिति है कि आपको मतलब गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा हुआ है और उसके बावजूद भी आपका चलान कट जा रहा है। और कहीं पर मतलब कि फोर व्हीलर का नंबर है और उसका टू व्हीलर का चलान हेलमेट का चलान कट रहा है। अगर फोर व्हीलर भी अब कोई अगर चलाता है उसको भी हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना होगा, क्योंकि अब उसका भी चलान कट रहा है। तो आपका कहना है कि हेलमेट पहन के फोर व्हीलर चलाना चाहिए? मेरा कहना तो नहीं है, मगर अब जो चलान ही चलान कट रहा है उनके अनुसार मतलब यही लगता है कि अब हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना पड़ेगा। पहले तो ऐसा था कि अगर पर्ची कट गया तो उसके बाद आप 24 घंटा पूरे शहर आराम से घूम सकते थे, भैया हम पर्ची कटवा लिए हैं। अब ऐसा नहीं है, अब जब जब कैमरा के नज़र में आइएगा तब तब आपका चलान कटेगा। देखिए, पहले तो सिर्फ अगर आपका एक कहीं भी चलान अगर कोई भी प्रशासन पुलिस काट दिया तो आप 24 घंटा के लिए कहीं भी उससे जा सकते थे, मगर अब है कि अगर एक रोड में अगर आपका 20 को कैमरा अगर मिलता है तो 20 जगह आपका चलान कटेगा और उस 20 चलान को आपको जमा करना है। अब वो नहीं है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप कहाँ से गुजरे हैं, आपका अगर 20 चलान कटता है तो 20 चलान को जमा करना होगा। ये जो नियम है ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी घर पहुंचने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह चलान कटा है तो दूसरा जगह फिर वो जमा करेगा, तीसरा जमा कितना वो जमा करेगा। गलती किया है तो उसको घर पहुँचने का मौका मिले, एक ही चलान होना चाहिए एक दिन में। अगर आप सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो आपका चलान कट सकता है, तो आप चलान भरिएगा या नहीं? देखिए, सब्जी लेने की बात नहीं है, अब आप रोड पे ही कहीं भी निकलते हैं, चाहे आप कितना इमरजेंसी काम में हो, कोई आपके घर देहांत ही क्यों ना हो गया हो, चलान आपको कट जाएगा और चलान जमा करना पड़ेगा। ये बहुत गंदा है, क्योंकि रोड पे कभी आदमी बहुत इमरजेंसी में कभी किसी की दुर्घटना हो जाता है तो जल्दी में चल जाता है, ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। मगर आप कितने भी इमरजेंसी में हैं, अगर बगैर हेलमेट के आप जा रहे हैं तो आपका चलान कटेगा और आपको जमा करना होगा। एक चलान नहीं, हो सकता है कि आपको उस दिन आपका 10 चलान भी कटेगा और 10 चलान को भी आपको जमा करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। उससे कम इंसान को देख होना चाहिए कि नियम ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी अगर कई एक बार चलान कट गया तो उसको 24 घंटे का टाइम देना चाहिए कि नेक्स्ट डे। हाँ, ये कर सकते हैं कि बार बार वो आदमी रिपीट कर रहा है, चलान कर रहा है, तब उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें। हो सकता है कि मान लीजिए कोई किसी का हॉस्पिटल में हो, बहुत इमरजेंसी में निकल गया हो तो एक बार चलान कट गया, मान लीजिए यहाँ से PM साहब जाने में उसको 50,000 का चलान ही कट जाए तो बेचारा कहाँ से देगा। इसलिए होना चाहिए कि एक बार चलान कट गया तो उसको पहले एक बार 24 घंटा के लिए मोहलत देना चाहिए। बार बार हर कैमरा पे आप जंप करने पे हर बार उसको फाइन करिएगा, हर बार उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये तो गलत है। बहुत लोग का ये कहना है कि ये बिहार है, यहाँ ज़्यादा दिन ये कैमरा वाला सिस्टम नहीं टिकेगा। बिहार है और पंजाब उससे मतलब नहीं है, और स्टेट में तो बहुत पहले से लगा हुआ है और बहुत सारा वहाँ का रोड भी अच्छा है, बहुत सारा फैसिलिटी है ट्रैफिक में, ऐसा नहीं कि सिर्फ तो यहाँ तो सिर्फ है कि चलान काटना है और यहाँ से पेमेंट लेना है। यहाँ पे मतलब आपको ट्रैफिक रूल सिखा, आज तक कोई ऐसा हुआ है क्या कि आपको लगता है कि कोई ट्रैफिक रूल सिखाया हो कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए? कोई जागरूकता अभियान आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे तो हेलमेट नहीं पहने से बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, हेलमेट का क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली और अदर स्टेट में क्वालिटी कंट्रोल, मतलब आपको सड़ा हुआ हेलमेट पहन के आप नहीं घूम सकते, आपको बढ़िया कंपनी का हेलमेट पहनना है। यहाँ पे है, आप सड़ा हुआ कागज का भी पहन लीजिए, खाली हेलमेट का डिजाइन बना लीजिए तो आपको फाइन नहीं कटेगा। सरकार को उससे मतलब नहीं, सरकार को है कि आपके पॉकेट से पैसा
कैसे निकाले, ये कोई मतलब हुआ कि यहाँ से लोग जा रहा है इमरजेंसी में चार जगह जा रहा है तो आप उसका फाइन काट लीजिए, चार कैमरा गया तो चार जगह फाइन ले लीजिएगा, ये नियम गलत है। अब उसको 24 घंटे का करना। गांधी मैदान में तो टेप रिकॉर्डर भी लगाया गया है कि हेलमेट पहने सुरक्षित रहें। वो तो अच्छा बात है कि जागरूक कर रहे हैं तो अच्छा बात है, लेकिन पहले इनको जागरूक करना चाहिए था, पहले इनको जागरूक करना चाहिए था, ये धीरे धीरे सिस्टम पर, क्योंकि यहाँ के लोग को वो सिस्टम झेलने का आदत नहीं है, इन लोगों को पूरा फ्री घूमने का आदत है। फिर भी पहले क्या था कि पहले भी स्ट्रिक्ट था कि डबल हेलमेट लगाइए फाइन कट जाएगा, पुलिस आपको काट लेगी, आपको चालान कर देती थी, लेकिन 24 घंटा के बाद फिर आपको 24 घंटा तक आपको नहीं कुछ टच करता था, फिर अगले दिन के बाद चालान कर दी थी। आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए अगर 24 घंटे वाला नियम ला दिया तो सहमत, ऐसे सहमत नहीं है। आप सहमत हैं? नहीं, अभी हम लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि ये तो आपका ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि जिस गाड़ी का एक बार अगर चालान कट गया है तो उस दिन उस गाड़ी का चालान नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम 24 घंटे के बाद फिर उसका चालान होना चाहिए अगर वो गलती करता है तो। ऐसे आप एक दिन में अगर 10 चालान कट जाए तो व्यक्ति पता चले कि पैसा देगा कहाँ से, तो आप उसके बाद 3 महीने का आपके पास साय में 3 महीने में उसके पास नोटिस भेज दीजिए, उस पर केस कर दीजिए, तो ऐसा ये गलत है, ये नहीं होना। अगर चालान आपको भारी कट जाता है तो आप पे कीजिएगा या नहीं? पे तो करना ही पड़ेगा। पे कीजिएगा? हाँ, मजबूरन करना ही पड़ेगा, घर में चाहे कुछ हो जाए वो तो पे करना ही पड़ेगा। तो आप सहमत हैं इससे? नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, हम सहमत हैं कि जो 24 घंटे में जो है कि एक ही बार चालान कटेगा उस पर हम सहमत हैं कानून से, बाकी इससे सहमत नहीं है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप सहमत हैं इससे? सहमत भी है, नहीं भी है, दोनों है। सहमत कैसे हैं? सहमत है कि ट्रैफिक रूल कैमरा लगा हुआ है हम लोग का फायदा के लिए है, लेकिन जिस तरह से चालान कट रहा है वो गलत है, चालान किसी का 10 बार कट जा रहा है वो गलत है। जैसे कि मरीन ड्राइव पर है कि अगर आप इस साइड है तो आपका कैमरा से चालान कटेगा और उस साइड आप क्रॉस कर रहे हैं तब आपका पुलिस चालान काट रहा है। जब कैमरा काट ही रहा तो पुलिस क्यों काट रही है चालान? इस पर तो आवाज़ नहीं उठाया गया है। अब आवाज़ इसमें हम ही लोग क्या खामियां है जो नहीं उठा रहे हैं, जैसे अभी आप उठ रही है आवाज़ देखिए माइक के थ्रू। आपको क्या लगता है इस पर आवाज़ उठाना चाहिए? हाँ, आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूर उठानी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा? जैसे विरोध करेंगे इस कानून का। कैसे? कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सहमत हैं इससे? हाँ जी, क्यों नहीं सहमत तो हैं, लेकिन ये 24 घंटा करेगा तब सहमत है, ऐसे तो नॉर्मली चोर उचक्के भी इसका ज़्यादा ही फायदा उठाएंगे, क्योंकि मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट कोई चोर उचक्का लेके वही 4-5 बार घूम जाएगा तो वो मेरा नुकसान होगा, उसका तो होगा नहीं, क्योंकि कैमरा लगने के बाद वो जितना भी प्रशासनिक प्रक्रिया था जैसे कि ट्रैफिक वाले रोकते थे कि आप चोर हैं, इस तरह से तो कमज़ोर हो जाएगा वो सिस्टम, और इसका फ़ायदा पूरी तरह से चोर उचक्के उठाएंगे और इसका भुगतान नॉर्मल पीपल पर पड़ेगा। आप सहमत हैं इससे? सहमत तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि अगर मेरा नंबर प्लेट कोई दूसरा इंसान यूज़ कर रहा है तो अगर क्या प्रूफ है कि क्या बोलता है, या मेरा गाड़ी कहीं लगा हुआ है ठीक, अगर मेरा नंबर प्लेट कोई दूसरा इंसान यूज़ कर रहा है तो मेरे आखिरकार चालान तो मेरे पे आ रहा है, प्रशासन तो वो चीज़ को सुनेगी नहीं, तो इस चीज़ को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इसको कम से कम 24 घंटे के अंदर तो तब्दील कर दे, या फिर बताने का मौका दे कि हाँ तुम क्यों इस चीज़ को किए हो, कम से कम ये तो होना चाहिए। तो आपने देखा जनता की क्या राय, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हमारे चैनल के लिए जुड़े रहे, धन्यवाद।